Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Here, myself, Kaushal Thakkar, and I am your science teacher. Today, we are going to explain the textual exercise of chapter 2, Animal World, in this chapter. Okay? Jai Sharde Ma, aap sabhi ko. Karmanyavadhikaraste ma faleshu kadachana. Ma karma fal hetur bhurmote sugasto karmani. इसी प्रेयर के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एनिमल वर्ल्ड टेक्सुअल एक्सरसाइजेस. सो लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेज नंबर 143 वी हैव सीन एन एक्सरसाइज टाइम टू आंसर देयर. सो वी हैव टू गिव द नेम ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट गिवन देयर. ओके, सो फर्स्ट इज कवर्ड विथ फीदर्स. फीदर्स मीन्स स्टूडेंट्स पंख. ओके, तो विच आर द एनिमल्स विच आर कवर्ड विथ फीदर. आई थिंक बर्ड्स. तो बर्ड्स विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन देयर. न सेकेंड, हैज स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन. बेटा प्रोटेक्शन के लिए स्केल्स होते हैं उनके पास में. तो स्केल्स किनके किनके पास होते हैं बेटा? स्नेक के पास, लीजर्ड के पास एंड क्रोकोडाइल के पास. दीज थ्री एनिमल्स हैव स्केल्स. इन तीनों में से हम किसी भी एनिमल का नाम वी कैन राइट. ओके, नाउ थर्ड वन हैज अ हार्ड शेल अराउंड इट. उसके अराउंड एक हार्ड शेल होता है. मैंने पढ़ाते समय बताया था बेटा कि दिस हार्ड शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, सो बेटा हार्ड शेल जो है, देर आर थ्री एनिमल्स विच हैव हार्ड शेल, टर्टोइस, टर्टल एंड स्नेल. So I had written here snail, but you can write turtle or tortoise both here. Okay. Now, the fourth number question is has white colored fur. White colored fur. Okay. So fur means hair. White colored fur means लाल सफेद रंग का हेयर. बेटा कौन सा जानवर ऐसा है जिसमें सफेद रंग का बाल होता हो? इट्स पोलर बियर माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 144. वहां पर हमारे टाइम टू आंसर की दूसरी एक्सरसाइज दी हुई है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द टाइम टू आंसर इज अरेंज द एनिमल्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर. बेटा हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर में कुछ एनिमल्स आपको दिए हुए क्वेश्चन में, उसको आपको कैटेगराइज करना है. ओके, सो इफ वी विल टॉक अबाउट द हर्बीवोर, तो हमारे पास जो एनिमल्स है बेटा उसमें से डियर, गोट एंड एलिफेंट्स, ये तीन ऐसे जानवर है बेटा जो हर्बीवोर है, जो पूरी तरह से शाकाहारी है, किसी भी तरह के फ्लैश नहीं खाते. दे आर ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सो वी कैन से दैट goat, deer and elephant will comes under the category of herbivores. Now second is carnivore. beta carnivore ki category mein eagle and cat, these both will come. eagle and cat are comes in the category of carnivore. they eat flesh, they flesh eating animals they are. and third crow and humans. crow and human both are comes in the category of omnivores. वर्स. ओके, सो ये ओमनीवर्स मीन्स द एनिमल्स विच ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स. ओके, सो लेट्स जम्प इन टू द नेक्स्ट टेक्स्ट माई डियर स्टूडेंट्स. टाइम टू आंसर पेज नंबर 145. इन द दैट पेज वी हैव गिवन विद द मैच द कॉलम एंड वी हैव टू मैच द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर ब्रीदिंग ऑर्गन. ओके, सो फर्स्ट इज क्रो. वी ऑल नो दैट क्रो हैव लंग्स बिकॉज क्रो ब्रीदिंग इन द एटमोसफियर. ओके, इट टेक्स डायरेक्ट एटमोसफियर गैस फ्रॉम द एटमोसफियर, डायरेक्ट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमोसफियर. दैट्स वाई क्रो हैज लंग्स. वन मैच विथ ए. टू फ्रॉग. फ्रॉग हैज मॉइस्ट स्किन. ओके, सो टू विल मैच विथ बी स्किन. थर्ड प्रॉन. बेटा प्रॉन इज एन एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स फॉर द ब्रीदिंग. सो प्रॉन विल मैच विद डी नंबर ग्रिल्स. टू थ्री मैच विद टी.
एंड फोर एंट. एंट इज एन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट हैव स्मॉल होल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पिरेकल्स फॉर ब्रीदिंग. सो एंट विल हैव सम स्पिरेकल्स इन इट्स बॉडी. सो फोर विथ विल मैच विथ सी हियर. ओके सो नाउ द पेज नंबर 148 टाइम टू आंसर. इट इज़ द लास्ट टाइम टू आंसर हियर एंड वी हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. माई डियर स्टूडेंट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग. नो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग. मतलब बर्ड्स के पास विंग्स का काम उड़ना है. बेटा ज़्यादातर बर्ड्स उड़ते हैं बट सम बर्ड्स आर देयर लाइक ऑस्ट्रिच लाइक कीवी लाइक ईम्यू विच कैनॉट फ्लाई बट दे हैव विंग्स. लेकिन वो विंग्स उनकी दूसरी काम में मदद करते हैं. उनको ठंड से बचाने में मदद करते हैं. ओके उनके विंग्स उनको उड़ने में मदद करते नहीं हैं. सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव फ्लाइंग विंग्स फॉर फ्लाइंग बट नॉट ऑल बर्ड्स. तो द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज सो मेनी बर्ड्स आर देयर विच हैव विंग्स बट कैनॉट फ्लाई. ओके सेकेंड नंबर स्नेक्स आर लिम्बलेस सो दे कैनॉट मूव. स्नेक्स लिम्बलेस का मतलब होता है बेटा उनके पास हाथ पांव नहीं है. लिम्ब्स आर कॉल्ड लेग्स एंड हैंड्स. ओके लिम्बलेस मीन्स द एनिमल विच इज विच डू नॉट हैव एनी आर्म्स एनी लेग्स एनी हैंड्स. ओके तो स्नेक्स आर लिम्बलेस उनके पास कोई हाथ पांव नहीं होता. सो दे कैन नॉट मूव. ऐसा बात तो नहीं है बेटा. स्नेक कैन मूव. स्नेक क्रॉल्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल. उनके बॉडी में जो स्केल की कवरिंग होती है उसके मदद से स्नेक जो है बेटा वो क्रॉल कर सकते हैं. दे ऑल्सो मूव्स. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. स्नेक्स आर लिम्बलेस बट दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स. दे कैन मूव. दे कैनॉट मूव इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ थर्ड नंबर कैंगारूज यूज ओनली हिंड लिम्स फॉर मूवमेंट. कैंगारूज यूज ओनली हिंड लिम्स फॉर मूवमेंट. यस इट्स ट्रू because the four limbs of kangaroo is not included in the movement. सिर्फ अपने दो पीछे वाले पैरों से कंगारू जंप करते हैं आपने देखा होगा. आगे वाले जो दो हाथ होते हैं उनके उनके मूवमेंट में उन दोनों हाथों की कोई भी जगह कोई भी हेल्प नहीं होती. सो कंगारू यूज ओनली देयर हिंड लिम्स फॉर मूवमेंट. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. All insects have two pairs of wings to fly. Yes, most of the insects, all the insects have two pairs of wings. उनके पास दो pairs होते हैं wings के जिसके वजह से insects जो है वो fly कर पाते हैं उड़ पाते हैं. Now, A number textual exercise. Fish use dash while swimming. But a fish has two fins and one tail. And fish uses its fins and tail to move around the water. पानी के अंदर अपनी movement के लिए fish fins और tail का use करती है. Legs, wings और hands का नहीं. So the answer will be D number fins. The second number the water boatman. Students water boatman is an insect. Uses its legs as oars. इज एन एक्वेटिक इंसेक्ट. पानी में रहने वाला ये इंसेक्ट है और पानी में तैरने के लिए वाटर बोटमैन क्या करते हैं उनके जो पैर हैं उनको चप्पू के जैसा यूज करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय चप्पू. इट इज़ अ थिंग विच इज मेड फ्रॉम मे बी वुड. ओके और मे बी आयरन ऑल्सो एंड इट इज ऑलवेज यूज टू इट्स ऑलवेज यूज टू मूव द शिप. ओके जो भी शिप होता है बेटा शिप मीन्स बोट. बोट को चलाने के लिए जो लकड़ी का सामान इस तरीके से पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हुए बोट को आगे की तरफ लेके जाते हैं डैट्स कॉल्ड ओर्स ओ ए आर एस. और वो अपने जो लेग्स है वाटर बोटमैन वो ओर्स की तरह यूज करते हैं और पानी में मूवमेंट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ कार्निवोर. लायन इज अ कार्निवोर. कैट इज ऑल्सो कार्निवोर. वी हैड सीन राइट नाउ अभी अभी हमने देखा था जब हमने कैटेगराइज किया था तो वी हैड पुट कैट इन द कार्निवोर. ओके नाउ काइट इज अ बर्ड इट्स ऑल्सो अ कार्निवोर. एंड मैन इज नॉट अ कार्निवोर.
मैन ऑलवेज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर, सो इन द फोर ऑप्शंस मैन विल बी द आंसर, मैन इज नॉट अ कार्निवोर. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर हैबिटेट. इनमें से कौन सा ऑप्शन फ्रेश वाटर हैबिटेट में नहीं गिना जाता, दैट्स ओशियंस, बिकॉज ओशियंस हैव सॉल्टी वाटर. Oceans did not count in the fresh water habitat. Oceans are always salt water habitat for aquatic animals. Okay, so here the answer will be oceans. Now fifth number question, animals migrate. So what are the main cause of the animals migration? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जानवर बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, why? In search of food, in search of shelter, to escape rudderless weather, या फिर इन सभी के कारण से. बेटा सभी का ये सभी कारण होते हैं किसी भी जानवर के लिए. या तो वो खाने की खोज में माइग्रेट करते हैं, या तो वो रहने जगह शेल्टर घर की खोज में माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो वो काफ़ी ऐसा वेदर उनको मिल गया जहाँ पर वो नहीं रह पा रहे, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, then they migrate. Okay, so to escape rudderless weather, in search of shelter and food, these all are the reasons for the migration of any animal. So the answer will be the D number, all of the above. All the above three causes are the genuine cause of the migration of animals. Okay, so next is the B number exercise, which is fill in the blanks. Fishes, first number there is, fishes takes in oxygen from always gills, because they have the breathing organ gills. Fishes have not lungs, they have gills, because they have to take oxygen from water, not from air. Okay, the animals which needs to separate oxygen from air, they having lungs as their breathing organ, and the aquatic animals that have to separate oxygen from water, then they have gills for that specific purpose. Now second number is, carnivore animals have sharp pointed dash teeth for tearing flesh. Always canine student, because tearing something, tearing, if we have to tear something, किसी चीज को फाड़ना हो पूरी तरह से, so we need in canine teeth. Okay, and carnivore has sharp pointed canine. Frog breathes through its lungs. Frog lungs ke through bhi breathe kar sakte, my dear students. They can breathe through lungs also. Okay, because they have moist skin while they are in the water, and they have lungs when they are in the environment. And frogs are called as amphibians, because amphibians are the animals that can live both on water and in land. Okay, so these type of animals are known as amphibians. Fourth number, snakes are dash reptiles. अभी हमने पढ़ा था कि snakes के पास हाथ पांव नहीं होते, so they are limbless reptiles. Okay, so the fifth number, turtles have dash padded like limbs. Turtles के पास total चार लिम्स होते हैं बेटा, मतलब हाथ पांव मिला ले तो टर्टल्स हैव फोर पैडेड लाइक लिम्स, जिनको फ्लिपर्स कहा जाता है. उनके हाथ पांव को हम फ्लिपर बोलते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं वो. तो टर्टल्स के पास चार पांव होते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लिपर्स, और उसके वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं. नाउ द सी नंबर, मैच द फॉलोइंग्स. यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है. तो फर्स्ट इज फिश. तो फिश जो है बेटा वो थर्ड नंबर से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, बिकॉज फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, सो फिश इज ऑलवेज ब्रीथ्स थ्रू गिल्स. तो फर्स्ट इज अ मैच ऑफ सी हियर. नाउ सेकेंड नंबर इट्स फ्रॉग. फ्रॉग इज मैचेस विथ इट्स कंपेनियन बी नंबर. Frog always jump with hind limbs like kangaroo.
जिस तरीके से कंगारू अपना मूवमेंट करता है, इट्स सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉग ऑल्सो यूजेस इट्स हिंड लिम्स फॉर द मूवमेंट. नाउ थर्ड नंबर इज हॉर्स, हॉर्सेस. थर्ड नंबर मैचेस विथ डी आई थिंक माई डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हॉर्सेस हैव फोर लिम्स. ओके, हाथ पांव होते हैं हॉर्सेस के चार. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, हॉर्सेस हैव फोर लिम्स, उनके पास चार हाथ पांव होते हैं. ओके, फोर्थ नंबर का बात करें, इट्स स्नेक्स. बेटा स्नेक्स जो है उसका मैच जो है वो ई नंबर के साथ हो रहा है. रेप्टाइल्स विदाउट लेग मीन्स लिम्बलेस रेप्टाइल. सो स्नेक्स हैव द मैच मीन्स फोर्थ नंबर कॉलम ए मैच विद कॉलम बी ई नंबर रेप्टाइल्स विदाउट लेग्स. स्नेक्स आर द रेप्टाइल विदाउट लेग्स. नाउ फिफ्थ नंबर इट्स टॉर्टॉइज. बेटा टॉर्टॉइज इज मैचिंग विथ ए नंबर. फिफ्थ इज मैचिंग विथ ए नंबर कवर्ड विथ हार्ड शेल, बिकॉज टॉर्टॉइज आउटर कवरिंग इज ऑफ हार्ड शेल. ओके, सो टॉर्टॉइज ऑलवेज कवर्ड विथ हार्ड शेल. फिफ्थ नंबर मैचेस विथ ए नंबर. नाउ डी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वी हैव. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर कार्निवोर्स, गिव एग्जाम्पल्स. सो वी कैन से डैट कार्निवोर आर द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. जो ज़्यादातर मांसाहारी जीव होते हैं उन्हें हम कार्निवोर की श्रेणी में रखते हैं. वी पुट द एनिमल्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोर विच आर फ्लैश ईटिंग. सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर. वी कैन गिव एग्जाम्पल एज लायन, टाइगर एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. यू कैन राइट एनी टू और थ्री देयर. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर. नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स मूव इन वॉटर. पानी के अंदर एनिमल्स ऐसी क्या करते हैं कि वो पानी के अंदर मूव हो पाते हैं, चल पाते हैं सामने की तरफ या पीछे की तरफ. ऑल वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर. वो पानी के अंदर पैडल करते हैं, जिस तरीके से हम साइकिल में पैडल करते हैं ना बेटा. कोई भी व्यक्ति को आप साइकिल चलाते हुए देखो, यू सी एनी पर्सन हु इज हैंडलिंग अ साइकिल देयर. ओके, हु इज इन द साइकिल. सो द पर्सन पैडल्स द साइकिल एंड द साइकिल मूव्स फॉरवर्ड. उसी की तरह जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो भी पैडलिंग करते हैं, और पैडलिंग करते और अपने हाथों से पाँव से पैडलिंग करते और हाथों से पानी को पीछे की तरफ खींचते, पुशिंग द वाटर बैक. ओके, ये दो काम करने से, पैडलिंग विथ लेग्स, पुशिंग द वाटर विथ हैंड, आप स्विम कर सकते हो. कोई भी एनिमल स्विम कर सकता है. वाटर एनिमल्स ज़्यादातर इसी तरीके से स्विम करते हैं. ओके, ऑल वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर. नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच का मेन डिफरेंस क्या है. बेटा हर्बीवोर्स आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच ओनली ईट्स प्लांट्स. दे आर टोटली वेजिटेरियन, बिल्कुल जो है शाकाहारी होते हैं. इस तरह के जीव शाकाहारी जीव, ओनली दे ईट प्लांट्स. सो वी कैन से दैट प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. वी कैन राइट द एग्जाम्पल एज काउ, गोट एंड सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. वी कैन राइट टू और मोर फ्रॉम देम. ओके, नाउ वी कैन से अबाउट कार्निवोर्स दैट दे आर ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. दे ओनली ईट द फ्लैश. मांसाहारी जीवों को हम कार्निवोर की श्रेणी में रखते हैं. ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एन एग्जाम्पल वी कैन टेक लायन, टाइगर एटसेट्रा. सो दिस वॉज द वेरी इजी क्वेश्चन, थर्ड नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज हाउ डू इंसेक्ट्स मूव. आखिरकार जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो किस तरीके से अपने शरीर में मूवमेंट करते हैं. हाउ डू इंसेक्ट्स मूव. We all know that students that insects have six legs. उनके पास कम से कम छः limbs होते, छः पाँव होते. They have six legs. So using that legs they move. वो छः के छः पाँवों को वो use करके वो आगे की तरफ बढ़ने में उनको मदद मिलती है. They are doing movement. Okay. So all the insects have six legs which are used for movement. Now the fifth number question here is, how does the body coverings of a snail help it in protecting itself? जो body covering होती है snail की वो उसको कैसे protect करने में मदद करता है. How does the body covering of a snail help it in protecting itself? So if you touch a snail gently, अगर आप कभी किसी snail को देखो उसको धीरे से जाके touch करो. Okay, आराम से. What you will observe that वो स्नेल धीरे धीरे चल रहा था उस समय. जैसे ही उसको पता चला कि उसके अगल बगल कोई खतरा है, वो अपना हाथ पाँव सब कुछ
जो उनका शेल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना काफी हार्ड शेल, उसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित विदड्रॉ कर लेता है, अंदर रख लेता है. ओके, सो इफ यू टच अ स्नेल जेंटली यू विल सी दैट इट विदड्रॉ इट्स बॉडी इनटू शेल. वो अपनी पूरी बॉडी अपने शेल के अंदर डाल लेता है, विदड्रॉ कर लेता है. और इसी तरीके से जो उसकी बॉडी कवरिंग है शेल, वो स्नेल को प्रोटेक्ट करती है. नाउ द ई नंबर, वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हियर. व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब वो इलाके से है बेटा जिस इलाके में जानवर प्राकृतिक तौर पे पहले से रहते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, नदियाँ, मरुस्थल, डेजर्ट, पोलर रीजन्स. सो द एरिया वेयर द एनिमल लीव नेचुरली आर कॉल्ड हैबिटेट. ऐसा जगह जहाँ पर पहले से जानवर रह रहे हैं प्राकृतिक तौर पर, हम उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं अंग्रेजी में. अगर द वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर, दो तरह के हैबिटेट्स के बारे में हमें पढ़ना है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन विच फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन एंड माउंटेन्स आर देयर. एंड सेकेंड इज एक्वेटिक हैबिटेट वेयर फ्रेश वाटर लाइक रिवर, लेक एंड सॉल्ट वाटर लाइक ओशियंस आर कैटेगराइज्ड. ओके, सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है जमीन, जमीन पर रहने वाले जगह, जमीन पर ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स रहते हैं, दैट्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फॉर देम. और पानी के अंदर, दैट्स कॉल्ड हैबिटेट एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट. ओके, सो नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, हाउ इज द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एन इंसेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिश? कि एक इंसेक्ट की ब्रीदिंग प्रोसेस से एक फिश की ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे अलग है, ये हमें बताना. सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग अ फिश टेक्स इन वाटर. अगर आप देखो सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान जो मछलियां होती है वो बेटा पानी अपने मुंह के अंदर डालती हैं, और उनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो उस पानी में से ऑक्सीजन अलग करते हैं और वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर वो पानी वापस पानी में डाल देती है. सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासस इट थ्रू इट्स गिल्स, गिल्स के थ्रू पास कर देती है. वाइल इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पिरेकल्स. इंसेक्ट्स की बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, दे हैव स्मॉल होल्स इन देयर इनसाइड देयर बॉडी, इन देयर बॉडी, और उस होल्स को हम स्पिरेकल्स बोलते हैं. और उस होल की मदद से ही उनके बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और इस तरीके से इंसेक्ट्स ब्रीथ कर पाते हैं. तो इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्पिरेकल्स एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देयर ब्रीथिंग प्रोसेस. नाउ द थर्ड वन, डिस्क्राइब द फीचर्स दैट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसके वजह से बर्ड जो है बेटा वो उड़ पाते हैं? ओके, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स. बर्ड्स जो है वो अपने पंख के वजह से बेटा उड़ पाते हैं. विच आर एक्चुअली देयर फोर लिम, जो एक्चुअली में उनके हाथ भी होते हैं. तो विंग्स जो है वो सबसे बड़ा फीचर हुआ. विंग्स के पास बेटा फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं. और उस पंखों की मदद, और वो जो पंख होते हैं उनके, वो उनके ब्रीस्ट बोन, ब्रीस्ट बोन उनके रिब्स में होते हैं. और ड्यू टू देयर ब्रीस्ट बोन, दे कैन फ्लाई. सो अब ये तो हो गया दो चीजें मेन, टू फीचर्स, के बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, सो विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विंग्स हैव फीदर्स, सो फीदर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर द टू फीचर्स विच वी हैड स्टडीड, फर्स्ट विंग्स, सेकेंड फीदर्स. नाउ द थर्ड इज बोन्स. बर्ड्स हैव बोन्स विच आर हॉलो, मीन्स पूरी तरह से अंदर से खोखली हड्डियां जो होती है वो बर्ड्स के पास होती है, जिनके वजह से बर्ड्स का जो बॉडी वेट होता है वो काफी लाइट होता है, काफी हल्का होता है. और फिफ्थ नंबर, थर्ड फोर्थ नंबर, मैंने चार फीचर्स रखे हैं यहाँ. फर्स्ट इज देयर विंग्स, सेकेंड इज देयर फीदर्स, थर्ड
थर्ड इज देयर बोन्स विच आर होलो विच मेक देयर बॉडी लाइट एंड थर्ड इज देयर बॉडी शेप विच इज स्ट्रीमलाइन शेप. उनकी जो स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन शेप, आगे से भी नोखिली पीछे से भी नोखिली, सिर्फ बीच का जो पार्ट होता था मिडिल पार्ट ऑफ द बर्ड इज समवट ब्रॉड बट इन द फ्रंट एंड द बैक पार्ट इज वेरी मच नीडल लाइक. ओके, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जो होता है बेटा वो काफी ज्यादा पतला होता है. दैट्स वाई द बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी और ड्यू टू दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी बर्ड्स कैन फ्लाई. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइग्रेशन एंड व्हाई डू एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट. बेटा माइग्रेशन किसे कहते हैं और एनिमल्स और बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, ये बात का डिस्कशन हमारा हुआ है अभी भी, बट एक और बार हम करेंगे. मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. ओके, कोई भी जानवर बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, इतना बड़ा दूरी वो तय क्यों करते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या के साथ, क्योंकि उन्हें कुछ हार्श वेदर्स को एस्केप करना होता है. दे हैव टू एस्केप द हार्श वेदर्स, मीन्स बहुत ज़्यादा अगर मौसम उनके विपरीत हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, बहुत ज़्यादा ठंड पड़े, तो वो ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ वो आसानी से रह सके. ओके, सो टू एस्केप हार्श वेदर्स इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द माइग्रेशन. इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने और रहने की जगह खोजने के लिए भी बहुत सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते. और तीसरा बड़ा कारण, एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दूसरे बच्चे जन्म देना. वो ऐसा चाहते हैं एनिमल्स कि वो अपने बच्चे काफी सुरक्षित स्थान पर दे. सो अपने बच्चों के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए वो ऐसा स्थान खोजते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो, विच दे कैन फील दैट प्लेस इज वेरी सेफ फॉर द ब्रीडिंग ऑफ देयर यंग वंस, टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. सो दे आर डूइंग माइग्रेशन. सो स्टूडेंट्स, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ऑल द थिंग्स हैव बीन डन इन दिस चैप्टर. ओके, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैड एक्सप्लेन सो फार. नाउ गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. वेयर मास्क एंड यूनाइट फॉर द फाइट ऑफ कोरोना. थैंक यू सो मच.